आपको हम लोग दिखाएंगे एक ऐसी जगह जो ज्यादा रिवील नहीं हुई है, या कह सकते हो कि थोड़ी थोड़ी सी बर्फ दिखनी शुरू हो गई है उस पहाड़ पे, तो पूरे में बर्फ ही बर्फ है। रास्ता इतना खराब भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। अभी इसमें चाय है और पानी का भी अरेंजमेंट है, खाने का भी अरेंजमेंट है। ये है वो जो जे एंड के गवर्नमेंट टूरिज्म के जो हाथ से, और ये क्या चीज है? अपने दोस्तों को चिढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न फैमिली। तो आज आपको हम लोग दिखाएंगे एक ऐसी जगह जो ज्यादा रिवील नहीं हुई है, या कह सकते हो कि बहुत ज्यादा लोगों को अभी नहीं पता उस जगह के बारे में। हम उधमपुर के पास एक पंचेरी गांव है जहां पर स्नोफॉल होती है, अच्छी स्नोफॉल होती है, और उसको गवर्नमेंट टूरिज्म के हिसाब से उसको थोड़ा सा डेवलप कर रही है। तो हम लोग वहां जाकर देखते हैं कि वहां पर जो गवर्नमेंट ने हट्स बना रखी हैं, जो टूरिज्म के अकॉर्डिंगली वो उन्होंने जो भी सेटअप किया है वो कैसा है, और वहां जाके आपको अपडेट करते हैं कि वो कितना सही है। तो आपको दिखाते हैं एक आज नई जगह उधमपुर के पास, पंचेरी गांव। ये थोड़ी थोड़ी सी बर्फ दिखनी शुरू हो गई है उस पहाड़ पे, तो पूरे में बर्फ ही बर्फ है, बट अभी हमारे रास्ता क्लियर है। देखते हैं कितनी देर में हमें भी बर्फ दिखनी शुरू हो जाएगी हमारे रास्ते में, और हमें अपने रास्ते पर स्नो दिखनी शुरू हो गई है। ये देखिए हमारे रास्ते पर ये छोटा सा स्नो तो पहले भी देखी हुई है, स्नोफॉल देखनी थी, स्नोफॉल नहीं दिख रही है। रास्तों पर स्नो आ चुकी है, साइडों पे स्नो आ चुकी है, पहाड़ों पे स्नो आ चुकी है, गाड़ी के ऊपर स्नो है। एलवी देख बेटा, वो देख साइडों पे स्नो, हाँ देख रहे कितना अच्छा लग रहा है। ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन, जबरदस्त कॉम्बिनेशन, वाओ। तो देखो थोड़ी सी देर पहले बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि स्नो नाम की कोई चीज़ नहीं है, थोड़ी देर पहले, हार्डली 5 मिनट पहले, और 5-10 मिनट के बाद एकदम से ऐसा आ रहा है कि बस। रास्ता इतना खराब भी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है। अब इतने बुरे बुरे रास्ते देख लिए हैं कि ये रास्ता उतना खराब नहीं लग रहा है। लेह लद्दाख ने हमें बहुत कुछ दिखा दिया ना, वाओ। ओ माय गॉड बर्फ, ये सो रहा था ना एकदम से उठा है, अभी इसको पता चला कि ये तो बर्फ। मैंने ग्लव्स कहाँ रखे हैं? ग्लव्स कहाँ रखे? बर्फ देखते इसको ग्लव्स याद आ गए अपने। हाँ ठंडी हो जाएंगे यार। फ्रेंड्स ये है पंचेरी गांव की मार्केट, थोड़ी थोड़ी शॉप्स तो हैं यहाँ पर, छोटे मोटे खाने की, चाय की, ढाबा टाइप तो हो ही जाएगा, रोटी सब्जी तो मिल ही जाएगी, दाल और चावल टाइप वो है। हट्स क्या ऊपर जो दिख रही है, ये ग्लव्स पकड़, ये मेरे, ये डैडी के, पहले तो वो भी पहनो अपना कैप, नहीं हो ये है पंचेरी गांव, और जिस जहां पर गवर्नमेंट ने ये हट्स बनाई हुई है टूरिज्म टूरिस्ट के लिए। और मेरा बहुत दिल कर रहा है बहुत देर से इस स्नो को हाथ लगाने का, तो जब तक मैं स्नो को हाथ नहीं लगाऊंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, तो मुझे एक बार देखना है। इतनी सॉफ्ट, देख ये वाली स्नो जो सॉफ्ट है ना, इसमें वो नहीं हो रहा, मतलब स्लिप नहीं हो रहे हैं, कितने आराम से देख पैर कैसे अंदर घुस रहा है, और चलना भी आराम है ना एलवे, नहीं हो यहाँ पर हम स्लिप नहीं हो रहे ना, गिला हो जाएगा। क्या आवाज आ रही है स्नो की वजह से, ऐसे पाउडर की वजह हम करते नहीं हैं। हम अपनी चाय का अरेंजमेंट करके आए हैं, दोनों के जो बॉटल्स हैं इसमें चाय है, और पानी का भी अरेंजमेंट है, खाने का भी अरेंजमेंट है। तो ये है वो जो जे एंड के गवर्नमेंट टूरिज्म के जो हट्स हैं, 3 यहाँ पर हैं,
और तीन और ऊपर है, लगता अभी थोड़ा और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। नहीं उधर मत जा, नहीं वो थक जाएगा बेटा। मैं कही ये स्नो अच्छी है, एटलीस्ट इसमें हम गिरने का डर नहीं लग रहा, मुझे स्लिप होने का डर नहीं लग रहा। और वो स्नो को हाथ से पकड़ो तो वो ज्यादा ठंडी भी नहीं लग रही है ना। नियो बाहर पोर्च है, ये सिटिंग रूम और ये है सोने के लिए बेडरूम, और ये है छोटा सा ड्रेसिंग रूम, बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन करके और सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पूरी की है। ड्रेसिंग रूम, वॉशरूम था, ये बेडरूम, इवन छोटी सी बैल्कनी भी दी है। ये एक छोटी सी बैल्कनी है और जिसके आसपास स्नो कितनी सुंदर दिख रही है। ये देखो छत के ऊपर ये लेयर स्नो की, स्नो का हमारे इस पे भी है। ये क्या चीज है? सोलर हीटर है, वाटर हीटर है सोलर वाले। वाओ, मतलब पानी से चलना काफी कुछ स्टार्ट कर दिया है, बट अभी टूरिस्ट को नॉलेज नहीं है। उनको नहीं पता कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, इसीलिए यहाँ पर आपको कभी ज़्यादा टूरिस्ट नहीं दिखेंगे। देखो अभी भी शांति है, खाली दो तीन दिन पहले ही स्नो गिरी है, तो अभी वो इतनी फ्रेश और इतनी सॉफ्ट है, जैसे एकदम मक्खन और एकदम झाग होता है ना, तो देख के भी ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे उठाओ और खा जाओ। लेकिन अभी हम पहले खाना खाएंगे, स्नो नहीं खाएंगे। यहाँ का माइनस पॉइंट बस एक ही है इस टूरिस्ट विलेज का कि आई थिंक यहाँ पे इनका जो रेस्टोरेंट है वो अब तक फंक्शनल नहीं हुआ है, तो अगर कोई आता है तो उसको खाने के लिए या तो खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा या फिर 15-20 मिनट नीचे जाके, 15-20 मिनट नहीं, ये तो 10-5 मिनट का रास्ता बस यहाँ से। इसमें एक छोटा सा किचनेट भी है, ये सही है ना, मतलब अपना कुछ चाय, कुछ स्नैक्स, कुछ सैंडविच बनाना हो या फिर कुछ इंडक्शन लेकर अपना प्लग पॉइंट है, सब कुछ है। ये देखना इसमें वो भी होंगे, अभी तो उन्होंने वो नहीं रखे होंगे ना क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो कुछ एक यूटेंसिल्स भी रखे देंगे इतना। पीछे देखो कितना सुंदर व्यू है, ऐसा लग रहा है, हाँ ऐसा लग रहा है हम बर्फ में बैठ के खाना खा रहे हैं ना। ये है पराठे, ये है सब्जी, ये दूसरी सब्जी और चाय, दोनों सब्जी खानी है। कहाँ है स्नो? नहीं दिखाओ स्नो कहाँ हो रही है। हाँ है तो सही, मेरे ऊपर गिरा तो था, मेरी आँख में गिरा था। रुक जाओ, ऐसे करके खड़ी होती हूँ मैं। हाँ हाँ, ये देखो छोटी छोटी, ये देखो नॉल इसे ब्लैक है ना, ये हाँ ये इसकी इसमें दिखेगा। देखो दिख रही है ना, ये तो इसका पानी भी टपक रहा है वैसे तो, बट अगर इधर भी दिखाऊं तो यहाँ नहीं दिख पाएगी। हमें देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैमरे में दिख रही है, ये देखो स्नोफॉल हो रही है, स्नो डॉगी बढ़ गई स्नोफॉल। नहीं सुन रहा, भाग गया कुत्ता। गाइस देखो यहाँ पे बहुत सारी स्नोफॉल हो रही है और मेरे ऊपर बार बार बहुत छोटे छोटे से गिर रहे, और हम अभी मैं अपने दोस्तों को चिढ़ाऊंगा। नियो हटो, नियो नियो जल्दी हटो, हाथ ठंडा हो रहा है ना। ये क्या है? इसको इकट्ठा करो, वे चल रोलो, रोल 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 करने की कोशिश कर रहा है, मुझे रोल 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 नहीं करते। आज का पर्पस हमारा सॉल्व हो गया, हमने स्नो गिरती भी देखनी थी। और ये देख इसके इसके कैप के ऊपर कैसे दिख रही, जल्दी बनाओ स्नो, डैडी जी स्नोमैन। इतना सा ये कैसा स्नोमैन है, आप लोग बना के दिखा दो। ओह ये तो बारिश हो रही है, कैसे मतलब स्नो कितना प्यारा लग रहा है ना, पहली बार देखा है। क्या कर रहा था एल्वे, क्या करना कर?
कर नहीं कर चिपक जाएगा नहीं चिपकेगा अभी जीरो नहीं है टेम्परेचर तेरे पापा तुझे फंसा रहे हैं बहुत गंदा तेज है एलवी हेल्प कर तू एलवी हेल्प मी ओए नहीं नहीं एलवी नहीं आ रहा है चौथ वाले में हेल्प मत कर कुत्ता बनने के लिए नहीं बोला क्या हुआ और क्या गर्म करके थोड़ा ना मत लगना तो ठंडा ही था इसके ऊपर वो टोपी से क्या रखे ये रखो मैं अपना रख दूँ टोपी दिया कोई नहीं हो टोपी अच्छी रुको इसके ऊपर ये हाँ इसके ऊपर टोपी इसके ऊपर नहीं रुको रुको बस अरे यार मम्मा अरे बस ये क्या कर रही है गाजर बनाने को ये गाजर थी इतनी सारी पांच पांच नाक है उसके गोल तो अब हमारी सारी मस्ती हो चुकी है हमें बहुत मजा किया यहाँ पर अब सारा सामान पैक करते हैं और निकलते हैं अभी तक का बेस्ट डे है 2024 का हाँ 2024 का हमारा बेस्ट डे और ट्रिप में ले लद्दाख अंडमान निकोबार और ये तीनों को सबसे अच्छे लगे थैंक्स टू स्पेशली गुलशन सर जिनकी वजह से हमने ये कॉटेज मिल गया मतलब ये जो हट है टाइमली नहीं तो हमें हमारा कोई आइडिया नहीं था हमें कुछ पता नहीं था बट उन्होंने हमें गाइड किया और उन्होंने बोला कि आप वहां पहुंचो और हट का अरेंजमेंट मैं करता हूं इस प्लेस के साथ साथ हमारा लक भी आज बहुत अच्छा था हमें बहुत सॉफ्ट स्नो मिली और फ्रेश स्नो मिली जो कि बिल्कुल व्हाइट सी इतना ब्यूटीफुल नजारा और ऊपर से हमें स्नोफॉल देखने को भी मिली जो कि पहली बार चांसेस कम है हमने स्नोफॉल लाइफ में पहली बार गिरती हुई देखी है अभी भी गिर रही है ना मजा आया नहीं हो हमें पहली इन्फॉर्मेशन दी थैंक यू शिक लग गई यहाँ पे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे उस फॉल को जी टच करके भी देख लिया लेकिन चिपकी नहीं ले हमने स्नो एंजल भी बनाया स्नोमैन भी बनाया और बहुत ही मजा हुआ सुबह तक मेरी तबीयत खराब थी और मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन अभी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरी तबीयत खराब है स्नोफॉल होने के बावजूद मुझे बहुत ज्यादा ठंड नहीं लग रही क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है एक बार उठा 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 जाने का मन ही नहीं कर रहा है दो दो मिनट बाद रुक जा रहे हैं दो मिनट बाद हम लोग कुछ ना कुछ फेल कर रहे हैं ओके फ्रेंड्स अब हमारा पंचेरी का हो गया हमने बहुत मस्ती कर ली ठंड बहुत लग रही है अब क्योंकि हल्का हल्का ठंडा मौसम होना शुरू हो गया बाय 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 नियो बाय बाय अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय मारो।